आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है आपको फंडामेंटली मजबूत शेयर जहां पे आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं वो बताने का। लेके आए हैं वीआईपी शेयर। आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी मौजूद हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पे? यार जो स्टॉक है मैंने 150 रुपए पर भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था और आज 215 रुपए का रेट है तो भी रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। अब कंपनी के फंडामेंटल्स में काफी हर क्वार्टर में चेंज आता जा रहा है। यदि हम देखें तो पिछले साल का जो मुनाफा था करीब 60 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी का था, जो 9 करोड़ का लॉस था पिछले साल में, सिर्फ 1600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है। और दो ट्रिगर जो अभी इमर्ज हुए हैं कंपनी में, सबसे पहले तो जो उनका कार्लसबर्ग के साथ में टाई अप हुआ है, उसके बाद जो उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो उड़ीसा प्लांट में से 50% था वो बढ़ के धीरे धीरे 80% तक पहुंच जाएगा, तो इससे काफी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। कंपनी ने 49 करोड़ रुपया अभी राइट इशू के थ्रू रेज किया है तो एडिक्वेटली कैपिटलाइज भी है। मेरा मानना है इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब 80 से 85 करोड़ और अगले साल में 100 से 110 करोड़ तक आएगा, तो अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है स्टॉक कंपेयर टू पीएस है। और कैपेसिटी में जो इस साल एडिशन हुआ है तो 30 मिलियन के इसकी बियर कैपेसिटी हो गई है जो उनको काफी प्रोमिनेंट पोजिशन दे रही है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर अभी भी बाय किया जा सकता है और यहाँ से करीब 50 रुपए की अपसाइड अगले 6 महीनों में हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, 50 रुपए की अपसाइड 6 महीने में थोड़ा सा आपको ऐसे ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसके आप पास्ट को देखेंगे तो साल भर में ये शेयर 3.5 गुना हुआ है सोम डिस्टिलरी का, और यही रीजन है कि इस पर आशीष जी भरोसा जता रहे हैं। 6 महीने में 275 का लक्ष्य है, लेकिन हाल में जो कार्लसबर्ग के साथ 2-3 दिन पहले जो खबर आई थी करार की वो बेहद पॉजिटिव है और इसके चलते ही इस शेयर पर थोड़ा सा व्यू है और ज्यादा बुलिश होता हुआ आशीष जी की तरफ से। सोम डिस्टिलरी 275 का टारगेट इसमें। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन वीआईपी शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए।